गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट क्लास इससे क्लास से पहले वाली क्लास के अंदर जीएसटी के अंतर्गत एक नया टॉपिक स्टार्ट किया था, टाइम ऑफ सप्लाई। टाइम ऑफ सप्लाई के बारे में आपको बताया था कि जीएसटी के अंदर वैल्यू ऑफ सप्लाई और टाइम ऑफ सप्लाई है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है जीएसटी चार्ज करने के लिए, जीएसटी लेविड होने के लिए। यदि जीएसटी है वो कौन सी वैल्यू पर लगाए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई, और किस समय चार्ज करें वो टाइम ऑफ सप्लाई। इसके अंदर अपने टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर नॉर्मली जो गुड्स के ऊपर टाइम ऑफ सप्लाई है वो कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग डिफरेंट कंडीशन दी थी, जिसके अंदर यदि नॉर्मल सप्लाई है या फॉरवर्ड केसेस के ऊपर यदि सप्लाई की जाती है तो उस कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। उसके अंदर दो चीज़ बड़ा आपने देखी थी। इसके अंदर पहली चीज़ थी कि एक तो इनवॉइस इशू करने की डेट, यानी जिस डेट को सप्लायर है वो इनवॉइस इशू करता है, या एक्सपेक्टेड लास्ट डेट फॉर इनवॉइस इशू, यानी इनवॉइस इशू करने के लिए लास्ट डेट है वो कौन सी है, या किस डेट को इनवॉइस इशू हो जाना चाहिए उसको अपन कंपेरिजन करते हैं इसके अंदर कि विच एवर इज अर्लियर है वो क्या होगी अपनी टाइम ऑफ सप्लाई होगी। फिर उसके बाद में एक ये था कि इसके अंदर जो एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है वो उसका डिटर्मिनेशन अपन कैसे करेंगे। उसके लिए इसमें दो सेक्शन है बेटा, एक तो सेक्शन अपना नाइन, सेक्शन जो ट्वेल्व है उसका, सॉरी नाइन नहीं है, सेक्शन ट्वेल्व उसका सब सेक्शन टू, एक तो वो इसके अंदर जिसमें टाइम ऑफ सप्लाई का डिटर्मिनेशन होता है, और एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है उसके लिए सेक्शन 31 है, जिसके अकॉर्डिंग ये बताया है कि यदि सप्लाई के लिए जो गुड्स है उसका रिमूवल होना यदि असेंशियल है, आवश्यक है उसमें, तो उस कंडीशन के अंदर रिमूवल की डेट है वो इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट होगी। यदि गुड्स का रिमूवल यदि उसके अंदर कंपलसरी नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर गुड्स है वो सप्लायर को डिलीवर करते समय या उसको असेंबल करते समय उसकी जो डेट है वो उसके अंदर एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस मानी जाएगी। डेट ऑफ पेमेंट का मैंने बताया था कि नवंबर 2017 के बाद में इसके अंदर डेट ऑफ पेमेंट उसको कंसिडर नहीं किया जाता है, और इसके अकॉर्डिंग अपन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। उसके बाद में आज अपन जो इसका टाइम ऑफ सप्लाई है गुड्स की कंडीशन के अंदर वो अपन ले रहे हैं इसके अंदर डिटर्मिनेशन ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ कॉन्टिन्यू सप्लाई यदि बेटा गुड्स की कॉन्टिन्यू सप्लाई की जाती है, यदि निरंतर आपूर्ति की जाती है, उस कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा वो अपना कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आता है कि यदि आप गुड्स की कॉन्टिन्यूस रूप से निरंतर रूप से यदि सप्लाई कर रहे हो तो ऐसी स्थिति के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे किया जाएगा, उसका निर्धारण कैसे किया जाएगा। तो कॉन्टिन्यू सप्लाई का मीन बड़ा कि सबसे पहले ये देखना होता है कि कॉन्टिन्यू सप्लाई का मीन है कि यदि एसी सप्लाई जो किसी पाइपलाइन के द्वारा या किसी केबल के द्वारा या किसी वायर के द्वारा की जाती है और कॉन्टिन्यूस रूप से की जाती है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करेंगे। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बड़ा इसके अंदर अपने को तीन चीज देखनी होती है। टाइम ऑफ सप्लाई इसके अंदर जो फर्स्ट आएगा वो आएगा आपके डेट ऑफ इश्यू ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी एक अकाउंट स्टेटमेंट इश्यू करने की जो डेट है या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इश्यू करने की जो डेट है वो देखनी है। सेकंड इसके अंदर आएगा डेट ऑफ
इनवॉइस इश्यू करने की डेट, किस डेट को इनवॉइस इश्यू किया गया, और थर्ड बड़ा इसके अंदर वो अपना डेट ऑफ पेमेंट, यानी उसका भुगतान की जो तिथि है वो अपने को देखना है। इन तीनों में से जो भी अर्लियर है, ठीक है, विच एवर इज अर्लियर विल बी टाइम ऑफ सप्लाई, इन तीनों में से बड़ा जो भी पहले है वो क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई होगी, यानी जो भी डेट इसमें से पहले वो देखेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल गुड्स के बाद में अपनी यदि कॉन्टिन्यू सप्लाई कर रहे हैं अपन गुड्स की, तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई का डिटरमिनेशन के अंदर अकाउंट स्टेटमेंट इश्यू करने की डेट होगा, इनवॉइस इश्यू करने की डेट, डेट ऑफ पेमेंट, इनमें से जो भी पहले है वो क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर अपने दो पॉइंट बड़ा, नॉर्मल सप्लाई की कंडीशन कंप्लीट है और क्वांटिटी सप्लाई की कंडीशन भी अपनी कंप्लीट है। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखे बड़ा अपनी बुक के अंदर, वो अपन इसमें देखते हैं कि इसके अंदर आपका नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स भी दे रखा है और क्वांटिटी सप्लाई ऑफ गुड्स के लिए भी दे रखा है। तो सबसे पहले इसके अंदर अपन इसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं, जो आपकी बुक्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल, जिसके अंदर नॉर्मल सप्लाई की कंडीशन के अंदर टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटरमिनेशन करना है। तो सबसे पहले उसका एक क्वेश्चन ले रहे हैं अपन। देखिए बेटा, ये आपके क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसकी डेट दे रखी है। अभी ये क्वेश्चन में बता रहा है कि ए ऑफ जयपुर सप्लाइज गुड्स टू बी ऑफ दिल्ली, ही हैज टू सेंड द गुड्स फॉर डिलीवरी फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, ए सेंड द गुड टू बी ऑन 15 सितंबर 2019, द अदर इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांजेक्शन आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। अब इस टेबल में बेटा क्या दे रखा है, देखिए सबसे पहले जो डेट है वो डेट ऑफ रिमूवल की दे रखी है, यानी इसके अंदर कंडीशन ये लग रही है कि गुड्स का जो रिमूवल है वो कंपलसरी इसके अंदर, यानी गुड्स है वो रिमूव होगा। उसके बाद जो सेकंड इसके अंदर डेट है, इनवॉइस इश्यू करने की डेट, लास्ट डेट फॉर इनवॉइस इश्यू। उसके बाद में नेक्स्ट है डेट ऑफ पेमेंट, जिसको अपने डेट को अकाउंट बुक में रिकॉर्ड किया, बैंक में पेमेंट क्रेडिट होने की डेट, और लास्ट अपना इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई है उसकी कैलकुलेशन करनी है। अभी लास्ट क्या है इसके अंदर, फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2017, यानी जो सीजीएसटी एक्ट 2017 की सेक्शन 12 है उसके अकॉर्डिंग अपने को इसका टाइम ऑफ सप्लाई है वो डिटरमिनेशन करना है। तो टाइम ऑफ सप्लाई के लिए बड़ा सबसे पहला अपना प्रोविजन इसमें कि इसकी टाइम ऑफ सप्लाई वो नॉर्मल सप्लाई और उसके अंदर अपन निकालते हैं, इसके अंदर डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू और इसको बड़ा कंपेरिजन करते हैं अपन एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस। इसमें से जो भी कम होगा पहले हो सके विच एवर इज अर्लियर will be time of supply, ठीक है। यदि बड़ा क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है कि गुड्स का रिमूवल होना यदि कंपल्सरी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो रिमूवल की डेट की है वो एक्सपेक्टेड लास्ट डेट होती है इनवॉइस इश्यू के लिए। तो देखिए इसके अंदर ये बड़ा डेट ऑफ रिमूवल है और लास्ट डेट देखिए दोनों सेम है, तो ये डेट है रिमूवल की डेट, इसकी लास्ट डेट है इसकी, अपने इसको लिखा है डेट ऑफ पेमेंट है और अकाउंट बुक में क्रेडिट करने की और अकाउंट बुक
बैंक में क्रेडिट होने की और अकाउंट बुक में रिकॉर्ड होने की डेट है, अब इसका कोई रोल नहीं है ना, इनको तो अपने को देखना ही नहीं है। हाँ, इसके अंदर रिमूवल की डेट है, फर्स्ट जो कॉलम है उससे बढ़ाकर अपने को लास्ट डेट नहीं दे रखी है, तो इसकी लास्ट डेट का कैलकुलेशन अपने को करना पड़ेगा। अब इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है वैसे। अब अपने को कंपेरिजन करना है इन दोनों, इसमें से जो भी पहले है वो अपनी क्या होगी, टाइम ऑफ सप्लाई की डेट होगी इसके अंदर। तो टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर देखिए, फर्स्ट अपना जो कंडीशन है उसके अंदर इनवॉइस इशू की करने की डेट है वो 12/9/2019 और ये बड़ा इसके अंदर है 15/9/2019 यानी 12 सितंबर 2019 और इधर है 15 सितंबर 2019। तो इनमें से अर्लियर कौन से हैं, तो इसके अंदर अर्लियर रखना उसके बाद में लास्ट देखिए, इसके अंदर इनवॉइस इशू करने की डेट है वो 18 सितंबर है और ये कितनी है 15 सितंबर है, इसमें से अर्लियर है ये वाली अर्लियर है, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी 15 सितंबर 2019। ठीक है, ये बड़े इसका टाइम ऑफ सप्लाई है वो अपने इसका डिटर्मिनेशन की है इसके अंदर, है ना। कंपैरिजन के लिए अपन क्या करते हैं कि डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू और लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इश्यू, इन दोनों को अपन कंपेरिजन करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इसको निकाल देते हैं। ठीक है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन बड़ा अपना सेकंड दे रखे हैं। ये कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इफ सप्लाई इन्वॉल्व्स है मोमेंट ऑफ गुड्स, यानी रिमूवल कंपलसरी बता रहे हैं, इसके अंदर मोमेंट ऑफ गुड्स होना जरूरी है। इसमें बड़ा डेट ऑफ इन्वॉइस दे रखी है, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स दे रखे हैं, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट दे रखे हैं। अब इसके अंदर अपने को टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटरमिनेशन करना है। तो सबसे पहले बड़ा टाइम ऑफ सप्लाई का डिटरमिनेशन करने के लिए अपन को इसी टाइप का फॉर्मेट है वो बनाना है, फिर अपन उसकी कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बड़ा इसका एक फॉर्मेट जो अपना है वो अपन बनाते हैं, उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करेंगे। देखिए बड़ा, ये सेकंड क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें सेम वही, सबसे पहले सीरियल नंबर दे रखे इसमें, उसके बाद में डेट ऑफ इनवॉइस इशू, डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, एक्सपेक्टेड लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस इशू और टाइम ऑफ सप्लाई है वो अपना लास्ट पॉइंट दे रखा है। अब इस क्वेश्चन के अंदर बड़ा सेम वही चीज़ है कि जो रिमूवल है वो असेंशियल होता रहे सप्लाई के अंदर, तो इस स्थिति के अंदर जो अपना एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है इनवॉइस इश्यू की वही वाली होगी जो रिमूवल की है, तो इसकी लास्ट डेट अपन सबसे पहले लिखेंगे 18 जून 2020, इसकी आ जाएगी 13 जून 2020, उसके बाद में इसकी वीड आ जाएगी 18 जून 2020, ये इसकी एक्सपेक्टेड लास्ट डेट हो जाएगी क्योंकि रिमूवल की डेट और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट है वो सेम ही होगी, क्योंकि इसके अंदर ये माना जाता है कि सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग जिस डेट को रिमूवल होता है वही उसकी लास्ट डेट होती है। अब उसके बाद अपने को क्या करना है, टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करनी है, तो टाइम ऑफ सप्लाई डेट ऑफ इनवॉइस इशू इसको कंपेरिजन करेंगे बड़ा इसमें एक्सपेक्टेड लास्ट डेट फॉर इनवॉइस विच इज अर्लियर टाइम ऑफ
ठीक है बेटा। अब इसमें ये देखिए कि इनवॉइस इशू करने की डेट और इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट, इसको बड़ा अपन कंपेरिजन करते हैं। तो इसमें देखिए 14th June है और उसमें 18th June है, तो इसकी टाइम ऑफ सप्लाई की है वो इससे जल्दी का मतलब हो गया 14th June 2020 वो इसका टाइम ऑफ सप्लाई। बी कंडीशन में देखो बड़ा, लास्ट डेट तो 13th June है और इनवॉइस इशू करने की 15th June है, तो ये आ जाएगी आपकी 13th June 2020, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ये 16th है और ये 18th है बेटा, तो इसकी इनवॉइस इशू करने की डेट आ जाएगी 16th June 2020, ठीक है। तो टाइम ऑफ सप्लाई तीनों ही कंडीशन के अंदर बेटा अपन ने कैलकुलेट किया, इसके अंदर तो आ रहा है अपना 14th June, इसके अंदर आ रहा है 13th June क्योंकि इनवॉइस बाद में इशू है और लास्ट डेट है वो पहले इसके अंदर, तो वो वाले डेट लेंगे। और इसके अंदर बेटा देखिए 16th June और यहाँ पे 18th June, तो इनवॉइस इशू करने की डेट है वो पहले है, तो अपने इसमें इनवॉइस इशू करने की डेट है वो लिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 3 है वो दे रखा है, देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इन अकॉर्डिंगनेस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 इफ सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। इसमें भी इनवॉइस इशू करने की डेट दे रखी है, यानी इशू इनवॉइस ऑब्लिक डॉक्यूमेंट्स की डेट है तो वो इनवॉइस इशू करने की डेट मानी जाएगी। डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स बेटा ये एक्सपेक्टेड लास्ट डेट हो जाएगी, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट, अब इसका इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है, यानी रिसिपिएंट को गुड्स है वो कब अवेलेबल हुआ उससे मतलब नहीं है, यदि रिमूवल गुड्स हो रहा है तो रिमूवल की डेट है वो अपने को देखनी होती है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो अपने को नहीं देखना है इसमें। उसके अकॉर्डिंग अपने को नीचे अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है, इन केस ऑफ सीरियल नंबर 2 गुड्स वर ट्रांसफर टू ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अदर स्टेट, यानी दूसरी स्टेट के अंदर जो ब्रांच ऑफिस है उसको ट्रांसफर किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट बता रहे हैं इसके अंदर कि इन केस ऑफ सीरियल नंबर 3 ऑन 24th May 2020 ओनली 60% ऑफ टोटल पेमेंट वाज रिसीव्ड एज एडवांस एंड रिमेनिंग 40% वाज रिसीव्ड ऑन 14th June 2020 बता रहे। तो देखिए इसका पेमेंट का कोई रोल नहीं है, पहले तो रोल था इसके अंदर, पेमेंट के अकॉर्डिंग अपन उसकी टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटरमिनेशन करते थे, अब ऐसा बड़ा इसमें कोई कंडीशन नहीं है, तो इसके अंदर सीधा इनवॉइस की उस डेट और लास्ट डेट है उसको अपन कंपैरिजन करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन के अंदर इनवॉइस की इशू करने की डेट है वो तो है 10th May, तो अपन 10th May ले लेंगे इसमें, और लास्ट डेट है वो रिमूवल की डेट ही होगी और रिमूवल की डेट है इसमें 14th May 2020 है, दोनों का यदि कंपेरिजन करें तो 10th May 2020 आता है तो ये 10th May हो जाएगा। सेकेंड है इसके अंदर उसकी इनवॉइस की डेट है वो तो 24th May है और रिमूवल की डेट है बेटा वो 14th May है, तो इन दोनों को यदि अपन कंपेरिजन करें तो इसके अंदर कौन सी आएगी, 14th May आ जाएगी। फिर थर्ड कंडीशन के अंदर बता रहे हैं 22nd May को तो इसने इनवॉइस की डेट बता रहे हैं और 4th June है बेटा वो उसकी रिमूवल की डेट यानी एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है, इसको यदि अपन कंपेरिजन करें तो 22nd May है वो फर्स्ट आ रहे हैं, तो 22nd May 2020 इसका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन में तो बड़ा 10th May, सेकंड कंडीशन के अंदर 14th May और थर्ड कंडीशन के अंदर 22nd May है वो अपना टाइम ऑफ सप्लाई होगा इसमें। उसके बाद में नेक्स्ट है इसके अंदर फोर्थ क्वेश्चन है वो भी इसी टाइप का है, अब इसमें दे रखा है देखिए फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई इन ईच केस इन अकॉर्डिंगनेस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12 ऑफ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 इफ सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो देखिए बेटा यदि सप्लाई के अंदर गुड्स का मूवमेंट नहीं और रिमूवल ऑफ गुड्स है वो कंपल्सरी नहीं है, तो जिस डेट को रिसिपिएंट को गुड्स है वो अवेलेबल करवाया जाता है, यानी जिस समय उसको गुड्स है वो डिलीवर किया जाता है उसको एज एस्टेब्लिश करके असेंबल करके, है ना, तो उस डेट को अपन क्या मानते हैं, इनवॉइस इश्यू करने की लास्ट डेट मानते हैं। इसमें सबसे पहले दे रखा है डेट ऑफ इनवॉइस मैडम, इनवॉइस इश्यू करने की डेट है, डेट व्हेन गुड्स मेड अवेलेबल टू रिसिपिएंट, रिसिपिएंट को गुड्स है वो अवेलेबल कब हुआ यानी किस समय गुड्स है वो डिलीवर हो गया
रिसिपेंट को वो दे रखी है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो अपने को बड़ा नहीं देखना होता इसके अंदर। अब अपन इसको टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर कंपेरिजन करेंगे। फर्स्ट केस है उसके अंदर जो इनवॉइस की डेट है वो तो है 9th जून, और रिसिपेंट को जो गुड्स है बड़ा वो अवेलेबल करवाया वो डेट है 11th जून। कंपेरिजन करें तो 9th जून है वो आ रही है इसके अंदर पहले अर्लियर है, तो 9th जून इसकी टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगी। सेकेंड कंडीशन है इनवॉइस की करने की डेट है वो तो है 10th जून, गुड्स अवेलेबल हुआ रिसिपेंट को वो डेट है 8th जून। दोनों को कंपेरिजन करें तो 8th जून है वो अर्लियर है क्योंकि ये लास्ट डेट है इसलिए, तो उस स्थिति के अंदर 8th जून 2020 हो जाएगा। थर्ड कंडीशन के अंदर 4th जुलाई दे रखे 14th जुलाई, और इनवॉइस करने की जो एक्सपेक्टेड लास्ट डेट है वो है 11th जुलाई। कंपेरिजन करें तो बड़ा 11th जुलाई 2020 आ रहे, तो इसके अंदर 11th जुलाई 2020 है वो इनवॉइस इशू करने की डेट होगी। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट अपने कोई कॉलम बना के दे रखे हैं, लेकिन बड़ा डेट ऑफ इसके अंदर रिसिप्ट ऑफ पेमेंट है वो अपन इसमें नहीं देखते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे नहीं करना है, ठीक है। तो ये बड़ा इसके अंदर टाइम ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन नंबर आपका 4th है। तो ये नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई एट फॉरवर्ड चार्जेस के अकॉर्डिंग यदि है तो उस स्थिति में टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन अपने को कैसे करना है, ठीक है। तो ये बड़ा अपना क्वेश्चन के 1st, 2nd, 3rd और 4th क्वेश्चन है वो आपके इसी टाइप के दे रखे हैं। 5th क्वेश्चन है वो कॉन्टिन्यू सप्लाई ऑफ गुड्स है, यानी यदि निरंतर आपूर्ति की जाती है गुड्स की तो उस कंडीशन में टाइम ऑफ सप्लाई उसका डिटर्मिनेशन अपन कैसे करेंगे। इसका कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स की कंडीशन में भी आपको मैंने बड़ा वो तो बताई थी इसके अंदर कि इसका टाइम ऑफ सप्लाई है उसका डिटर्मिनेशन कैसे करना है, और उसी ट्रेंड के अंदर इनके जो क्वेश्चंस हैं वो अपने को इसमें देखने इसमें करने, ठीक है। तो ये जो कॉन्टिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स है इस पार्ट को अपन कल कंप्लीट करेंगे, आज के लिए तो अपने इसका नॉर्मल सप्लाई ऑफ गुड्स की कंडीशन में उसका कैसे डिटर्मिनेशन करते हैं वो बड़ा अपने कैलकुलेट किया। तो कॉन्टिन्यूस सप्लाई का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th क्वेश्चन नंबर 6th है वो अपन कल की क्लास में इसको देखेंगे, आज के लिए बड़ा ओके।